Assalamu alaikum students, I hope you will all be fine. Today is our lecture number 4 and it is a very important assignment of the novel. Symbolism in the novel. इसके मैंने जो पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं उसमें जो नंबर 1 पे है मीनिंग ऑफ सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म मींस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूड्स एंड आइडियाज थ्रू द मीडियम ऑफ सिंबल्स. अ सिंबल इज समथिंग दैट मींस मोर देन दैट व्हाट इज इन फैक्ट. तो सिंबोलिज्म का मतलब क्या है? सिंबोलिज्म में चीज़ों के बारे में, मूड्स के बारे में और आइडियाज़ के बारे में जो है वो अलामात के ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए से, उस चैनल के ज़रिए से कुछ पेश किया जाता है, कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है. और एक अलामत यानी सिंबल जो है वो आपको जो असल में चीज़ है, जो रियलिटी में नज़र आ रही है आपको, एपेरेंट जो मीनिंग है उसकी बजाय आपको कुछ और मीनिंग जो है वो बताता है. तो आप कह सकते हैं कि सिंबल इज़ एन आइडिया, इट रिप्रेजेंट्स सम वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. इन द लाइट ऑफ दिस डेफिनेशन वी कैन कॉल द ओल्ड मैन एंड द सी अ सिम्बॉलिक नॉवेल. In this novel, persons, things and events suggest something more. इसी तरह जब हम इस novel की बात करते हैं तो novel, ये जो novel है इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये novel symbolic है, ये अलामती है, ये किसी चीज़ की अलामत है. और इस novel में जो लोग हैं, चीज़ें हैं और जो events यानी वाक़ियात हैं वो जो दिखाई दे रहे हैं वो उसकी बजाय कुछ और ज़्यादा आपको असल में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पेश कर रहे हैं. अब सेकंड नंबर पे है सिंबोलिज्म इन द नॉवेल थ्रू कैरेक्टर्स. कि ये जो नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें सिंबोलिज्म जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो शो की गई है. उसमें नंबर 1 पे है कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स में नंबर 1 संतियागो एंड नंबर 2 है मानोलिन. तो इसमें 2 जो है कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं और वो सेंट्रल और मेन कैरेक्टर्स हैं. इन कैरेक्टर्स के ज़रिए भी कहा जाता है कि हेमिंग्वे ने सिंबोलिज्म जो है वो ये एलिमेंट हमारे सामने लेके आया है. संतियागो के बारे में ये कि वो, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ही इज़ एन ओल्ड क्यूबियन फिशरमैन. तो संतियागो का कैरेक्टर जो है वो किस तरह सिंबॉलिक है. दी ओल्ड मैन इन दिस स्टोरी रिप्रेजेंट्स मैन इन जनरल. यानी ये कहते हैं कि वो एक इंसान को, आम लोगों को पेश करता है उसका कैरेक्टर. वी गेट दी आइडिया दैट मैन इज़ ग्रेटर बिकॉज ऑफ हिज करेज एंड पावर टू स्टे. इंसान इसलिए ज़्यादा अहम है या इम्पॉर्टेंट है या अजीम है कि वो, उसके अंदर अपने आप अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए उसके अंदर हौसला है, हिम्मत है. मैनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय नेचर बट मैन एग्जिस्ट. बहुत सी नस्लें आई जानवरों की, ख़त्म हो गई, जैसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स होते हैं, लेकिन इंसान एक ऐसी स्पीशीज़ है, ऐसी चीज़ है, ऐसी आप कह लें कि इसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि वो अभी तक उसका वजूद बाकी है. इट इज़ बिकॉज ही हैज़ ग्रेट पावर ऑफ इंड्योरेंस. इंड्योरेंस मीन्स उसके अंदर टॉलरेट करने की, बियर करने की जो है वो कुव्वत बहुत ज़्यादा पाई जाती है. इंसान बहुत चीज़ों को बर्दाश्त करता है और स्ट्रगल करता है. ही कैन फेस द एडवर्स सर्कमस्टांसेस. वो अपनी ज़िंदगी में बहुत से बुरे हालात को का सामना करता है. द ओल्ड मैन स्ट्रगल्स विद द फिश, ही फाइट्स अगेंस्ट द शार्क्स. अब स्टोरी, हमने इसकी स्टोरी हम कर चुके हैं कि जो बूढ़ा आदमी है वो बिग फिश मार्लिन के साथ भी कितनी स्ट्रगल करता है, जिद्दोजहद करता है. इसके अलावा जो शार्क्स अटैक कर देती हैं उनके साथ भी फाइट करता है. ही इज़ टायर्ड बट डज नॉट शील्ड. वो थक तो गया है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, उसने अपना इरादा नहीं बदला. और एक जगह पे नॉवेल में वो खुद ही इसके बारे में कहता है, ही सेज़ बट मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट.
अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, कि इंसान जो है, आदमी जो है वो शिकस्त के लिए नहीं बना। एक आदमी जो है वो तबाह तो हो सकता है लेकिन वो कभी भी अपनी शिकस्त जो है वो हिम्मत नहीं हारता। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हेमिंग्वे ने संतियागो के कैरेक्टर के ज़रिए से, एक ओल्ड वीक फिशरमैन के ज़रिए से, उसने हमारे सामने उन लोगों को या उन कैरेक्टर्स को या पर्सनालिटीज़ को रख दिया है जो अपनी लाइफ जो है वो नोबल डीड के साथ गुजारते हैं और लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और हिम्मत नहीं हारते। सेकेंड नंबर पे है मानोलिन, मानोलिन द बॉय। ही इज़ ऑलमोस्ट 7 or 8 ईयर्स ओल्ड बॉय और इन दिस स्टोरी यू सी दैट ही हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग। इसका भी, इस कैरेक्टर का भी एक अलामती मतलब है। वेन एवर द ओल्ड मैन इज टायर्ड ही सेज आई विश द बॉय वर हियर एंड आई विश आई हैड द बॉय। जब भी अपने बिग फिश को पकड़ने के लिए वो अपनी बोट में लोनली है और गल्फ स्ट्रीम में जो है वो बिग फिश के लिए गया है, तो वो वहाँ पे जब वो हिम्मत उसकी कम हो रही होती है या वो वीकनेस फील कर रहा होता है, तो उस वक्त उसकी ये ख्वाहिश होती है कि काश लड़का वो यहाँ पे होता। और वो कौन लड़का? यानी मानोलिन। और साथ ही वो ये भी कहता है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा भी बेटा होता। द बॉय इज़ इन फैक्ट अ सिंबल ऑफ लॉस्ट यूथ। द ओल्ड मैन रिमेम्बर्स हिम टू इनवोक द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ हिज यूथ। असल में ये अलामत है, ये लड़का उसके लिए, बूढ़े आदमी के लिए, उसकी खोई हुई जवानी का, और उसके ज़रिए से उसके अंदर कुव्वत और हिम्मत जो है वो पैदा हो जाती है। इन द एंड व्हेन द ओल्ड मैन कंप्लेन्स ऑफ हिज बैड लक, द बॉय बिकम्स अ मैसेज ऑफ होप बाय सेइंग। और आखिर में भी, नॉवेल के एंड में भी आप देखेंगे कि जब बूढ़ा आदमी जो है वो अपनी बदकिस्मती की शिकायत करता है, तो वो लड़का ही उसे उम्मीद दिलाता है। और क्या कह के उम्मीद दिलाता है? उसके डायलॉग्स ये हैं, द हेल विद लक, आई विल ब्रिंग द लक विद मी। तो यहाँ पे जो मानोलिन है वो एक गुड लक का भी सिंबल बन गया है। तो इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि वो अपनी माजी की स्ट्रेंथ, कुव्वत को याद करता है और उसके लिए खुशकिस्मती और हिम्मत का बायस है। अब सेकंड नंबर पे मैंने रखा है कि नॉवेल में सिंबोलिज्म जो है, द फिश जो हैं उसमें, टू फिश जो हैं इसमें उनका जिक्र है इस नॉवेल में। वन इज़ मार्लिन द बिग फिश एंड नंबर टू शार्क्स द अटैकर्स विच अटैक द बिग फिश। तो ये भी एक सिंबल के तौर पे सामने आई हैं। और बाज़ क्रिटिक्स तो फिश को कहते हैं कि ये भी कैरेक्टर्स हैं, इनको भी कैरेक्टर के तौर पे समझा जाता है। तो पहले हम इसको वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट द बिग फिश मार्लिन। द फिश इन द स्टोरी इज़ द सिंबल ऑफ द डिज़ायर्स ऑफ मैन। इट रिप्रेजेंट्स सम एम फॉर विच अ मैन इज रेडी टू ले डाउन हिज लाइफ। माई बिग फिश, द ओल्ड मैन टेल्स हिमसेल्फ, मस्ट बी समवेयर। अब बूढ़ा आदमी अपने जब फिश की तलाश में सर्च कर रहा होता है, तो उस वक्त नॉवेल में जो है वो ये डायलॉग अपने आप से खुद कलामी करता है और कहता है कि मेरी बड़ी मछली भी कहीं ना कहीं तो होगी जो मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे फ़िश जो है वो इंसान की ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करती है, जिनके लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उनके लिए वक्फ कर देता है, अपने उस एम को हासिल करने के लिए। द ओल्ड मैन हुक्स द फिश विद अ ग्रेट स्ट्रगल एंड फाइट्स विद द शार्क्स टू सेव हिज ट्रॉफी, बट ऑफ नो अवेल। अब ये आप देखते हैं कि वो अपनी सर्च की उसने बिग फिश के लिए, और उसको बिग फिश उसका जो ऑब्जेक्ट था या उसकी डिज़ायर थी वो हासिल भी हो जाती है, लेकिन जीते जीते उसकी हार हो जाती है। वो किस तरह के जो दूसरी फिश हैं जो अटैक करती हैं उस पे, वो उसको जो है वो उसका मीट जो है वो खा लेती हैं। तो दिस मीन्स समटाइम्स अ मैन फेल्स टू अचीव हिज एम बिकॉज ऑफ एडवर्स सर्कमस्टांसेस। बाज़ दफ़ा इंसान को इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में होना पड़ता है या ऐसे बुरे हालात होते हैं कि इंसान जो है वो उन हालात की वजह से अपने मकसद को हासिल करने में
नाकाम हो जाता है कि एन जो है वो टारगेट उसके सामने होता है लेकिन उसके हाथ से आखिरी लम्हे में कभी निकल जाता है, जैसा कि ओल्ड मैन के साथ हुआ. तो यू कैन से कि द शार्क्स इन द स्टोरी आर दो सर्कमस्टेंसेस. तो शार्क्स भी सिंबल हैं, दीज आर द सिंबल ऑफ बैड सर्कमस्टेंसेस और यू कैन से प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स इन लाइफ. जो आपको लाइफ में जो हर्डल्स को जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है तो शार्क्स जो है वो उसका एक सिंबल बन के हमारे सामने आ गई हैं.